हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू बैनी ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज हम फाइनली जल्दी उठ गए हैं और बाहर आए तो देखा मौसम इतना अच्छा हुआ है, चारों तरफ बाहर कोहरा लगा हुआ है। और अभी हमारा अपना छोटा आती जो कि ठंडियों में स्टार्ट होने में दिक्कत करता है, तो उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि इसका जो इंजन है थोड़ा गर्म हो जाए, ताकि ये बाद में स्टार्ट करने में हमारी गाड़ी आराम से स्टार्ट हो जाए, ताकि ये ना हो कि बाद में स्टार्ट करें तो स्टार्ट ना हो, क्योंकि ऐसा ठंडिया का टाइम है और डीजल गाड़ी तो खासकर दिक्कत करती है, क्योंकि स्टार्ट नहीं होती गाड़ियाँ। तो अभी इससे स्टार्ट कर रहे हैं और अभी हम आए हैं बाहर, इसको थोड़ा स्टार्ट करते हैं, गर्म करते हैं, सुबह मिलते हैं आपसे ब्लॉग में आगे से। तो चुन्नू ना, तो ये हमारी चुन्नू है। ओए क्या कर रहा तू, क्या कर रहा है भाई, क्या खा रहा तू, क्या खा, दिखा दिखा, लकड़ी खा रहा है ना, अच्छा घास रखा है तेरा आम का पेड़, वो नहीं खा रहा है, खा ले इसको। ओए ओए एक गुटरू, सो ये हमारी भैंस है गाइस, और इसने ये ड्रम गिरा दिया अंदर खाने का, इसे उठा के दे देते हैं, खा ले इसको, चुपचाप खा ले, खा ले, मुंह डाल उसमें, खा ले कह रहा हूँ, खा ले मुंह में डाल, ए गुटरू खा ले भाई, इतना पतला हो गया देख, भूखा है तू, खा ले खा ले, नहीं खा रहा हाँ। अभी मैं जा रहा हूँ इवनिंग वॉक पे, तो आज मैंने सुबह एक बार ब्लॉग स्टार्ट किया था, उसके बाद मैंने शूट ही नहीं किया क्योंकि आज मैं थोड़ा सो गया था दिन में खाने के बाद, तो अभी फिर ओके मैंने फ़ोन उठाकर अभी शूट किया, स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरे फ़ोन में भी बैटरी नहीं थी। तो मिलते हैं अभी आपसे ब्लॉग में आगे से। तो एक बार फिर से हम ब्लॉग में आज फिर से आपके सामने चाय पीने हैं, ये हमारी है इवनिंग की चाय, और इसको पीते हैं फिर निकलते हैं अपने इवनिंग वॉक पे। गाइस मिलते हैं आपसे एक नए सफ़र में, नई जगह, नए रास्ते पे, तब तक के लिए ब्लॉग में मिलते हैं आप। तो हम पहुंचने वाले हैं हेडल गेट, जो कि हमारी सबसे फेमस जगह है हल्द्वानी की, और बहुत सब लोग जानते हैं कि हेडल गेट वहाँ पे है। तो एक्चुअली अब उस रोड पे हम वॉक करने जा रहे हैं इवनिंग वॉक, तो मिलते हैं आपसे आगे उसी रोड पे, बने रहना हमारे साथ ब्लॉग। और ये हमारे हल्द्वानी का लाल किला, जो कि आपको दिख रहा होगा सामने, और लाल किले के बाहर लगी हुई हैं सब्जी की दुकानें, सॉरी ठेला बोलने वाला था, दुकानें बोल सकते हैं, और यहाँ पे सब्जी मिलती हैं हमारी। सो फ्रेंड, इसी रोड में मैं वॉक करने वाला हूँ और थोड़ा वॉक कर लेता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ ब्लॉग में आगे से। मेरी इवनिंग वॉक तो कंप्लीट हो चुकी है और मैं जा रहा हूँ घर को, और सबसे शॉर्ट रास्ते से, क्योंकि लॉन्ग रास्ता लेना मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि इवनिंग वॉक ज़्यादा कर लिया तो थकान लग गई थी, मुझको जल्दी से जल्दी घर पहुँचना था, तो इसलिए मैंने शॉर्ट रास्ता चुना। तो मिलता हूँ आपको डायरेक्ट आप घर पर, बने रहेगा हमारे साथ ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग की कभी अपनी फ्रेंड से फाइट हो जाती है और वो कहती है ना तुमसे कि यार चल निकल ले पतली गली से, तो फ्रेंड्स प्लीज़ यार इस रोड को वो पतली गली मत समझिएगा, क्योंकि ये पतली ही गली है। हम लोग तो मेरी वीडियो देखते हैं, बस व्यू ही बढ़ पाते हैं मेरे 400, 300, 200, 100 या फिर 500, जितने आप व्यू कर रहे हैं गाइस, एक सब्सक्राइब का बटन आता है उसको भी क्लिक कर दीजिए ना, सब्सक्राइब भी कर लो भाई का चैनल, और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और फैला दो अपनी भाई की वीडियो को। और अगर भाई नहीं मेहनत करता है, ब्लॉग लेकर आता है और नए नए कंटेंट लेकर आता है, तो सब्सक्राइब करना चैनल, भाई का चैनल।
सो गाइस, हमने यहाँ पे थोड़ी देर तक आग सेकी और आग देख सकते हैं कितनी अच्छी चली हुई है। और गाइस, आग सेकने का तो कुछ और ही मज़ा है ठंडियों में। और कितना प्यारी आग लगी है, देखो लकड़ी भी अच्छी जल रही है। और अपने घर वालों के साथ थोड़ा बैठ कर लिया आग का मज़ा हमने। फिर मिलते हैं आपसे ब्लॉग में आगे से। अब मैं अपना ब्लॉग एंड करने जा रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करना और कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।